नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग थर्ड महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में और बीए भाग प्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय में। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय समाज में जाति की, और जाति के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है। जाति के परिप्रेक्ष्य में हमारी ये सातवीं मुलाकात है। क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है? तो सबसे पहले तो मित्रों, हमें दो कंसेप्ट्स को यहाँ पकड़ना पड़ेगा। एक तो क्या रहा है, क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है? तो पहले तो अपने को जाति को पुनः एक बार दोहराना पड़ेगा कि जाति को जब मैंने पढ़ाया, जब मैंने आपको बताया था कि वह सामाजिक समूह जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर प्राप्त होती है तथा जो अपने सदस्यों पर खान पान विवाह व्यवसाय संबंधित अनेक प्रतिबंधों को लागू करती है, और प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है। ये तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी जाति की। दूसरा है, इसमें आया है वर्ग। वर्ग में था कि जो समान चेतना है, समान चेतना, समान अस्तित्व, और जो एक सी जीवन शैली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसकी कहीं ना कहीं प्रकृति समरूपता की है, उसको हम बोल रहे हैं वर्ग। यानी जाति की प्रकृति और वर्ग की प्रकृति को हमें सबसे पहले समझना होगा। जब जाति के, मैंने कल आपको वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को देख के कुछ विद्वानों ने कहा कि जाति भविष्य में भारतवर्ष में समाप्त हो जाएगी और जाति का स्थान वर्ग ले लेगा। अब वहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि इन विशेषताओं को देख के एकाएक लगता भी है ऐसा कि पूरी तरह से अब तो समाज वर्गीय समाज में बदल जाएगा, लेकिन यह है पूर्ण सत्य नहीं है, सिक्के का एक पक्ष है। जब हम उसका और विश्लेषण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इन सतही विशेषताओं के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि भारतवर्ष में जाति समाप्त हो जाएगी और जाति के स्थान पर वर्गीय समाज का जन्म हो जाएगा। वर्ग की प्रकृति अलग है, जाति की प्रकृति अलग है, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, दोनों में भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं, इसलिए जाति का वर्ग बन जाना कतई संभव नहीं है। हाँ, हम ये अवश्य कह सकते हैं कि जो भारतवर्ष में वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो वर्तमान में जातीय ढांचा जो टूट रहा है, शिथिल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उनको देख के हमें एक बार तो यूँ लगता है कि भारत में जाति में वर्ग के गुण आ गए हैं। कि जैसे हम शादी समारोह में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं किसी भी जाति का व्यक्ति हो तो वहाँ जो हाई क्लास लोग हैं वो अमूमन किससे बात करना पसंद करते हैं? अपने रक्त संबंधियों के स्थान पे वे जो उसके कैडर के हैं, जो कोई उद्यमी है, व्यवसायी है, जो प्रशासकीय वर्ग है, राजनेता हैं, वो अपना एक अलग गुट बना लेते हैं, एक अलग अपना झुंड बना लेते हैं, अलग अपना एक घेरा बना लेते हैं। जो मीडियम क्लास लोग हैं वो अपना अलग बना लेते हैं, और जो नीचे तबका रह गया, समाज का कमजोर तबका रह गया, वो अपने अलग झुंड में चर्चा करते हैं। हो सकता है आपस में रक्त संबंधी भी हों, भाई भी हों, सगे भाई भी हों, लेकिन वहाँ व्यक्ति प्रायोरिटी किसको देता है? जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो उसके हितों की पूर्ति कर रहे हैं, उनमें व्यक्ति उठना बैठना पसंद करता है। तो इन घटनाओं को देख के एक बार की हमें लगता है कि भारतवर्ष में जाति व्यवस्था का स्थान वर्ग व्यवस्था ले लेगी। जिस तरीके से हम यूरोप वगैरह में देखते हैं, वहाँ इस तरह का हमें ढांचा देखने को मिलता है, लेकिन भारतवर्ष में इसका
पूर्णतः सफाया, पूर्णतः हलिय, पूर्णतः शिथिल होना पूरी तरह से संभव नहीं है। हाँ, जाति में वर्ग के गुण आ जाएंगे, वर्ग में जाति के गुण आ जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से सफाया होना संभव नहीं है। उसके पीछे एक मानसिकता और है मित्रों, कि भारतवर्ष में जाति व्यक्ति की मानसिकताओं में निवास करती है। यद्यपि हमारा संविधान की पहली लाइन ही बोलती है कि व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आज भी आप हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे को देखें, थोड़ा समझें, तो इस लोकतांत्रिक ढांचे का आधार है वोट। इस लोकतांत्रिक ढांचे में कहीं पे भी जब टिकट का वितरण होता है, बंटवारा होता है, तो किसको दिया जाता है, कैंडिडेट किसको बनाया जाता है, जिसकी वहाँ पे बहुसंख्यक जाति है, प्रभावशाली जाति है, जिसके ज़्यादा वोट हैं, उसको टिकट देंगे। फिर मतदान व्यवहार भी उसकी तरफ करवाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो वहाँ भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया में आप पढ़ते हैं, इतने ब्राह्मण MLA, इतने ब्राह्मण मंत्री, इतने राजपूत MLA, इतने राजपूत मंत्री, इतने फलां, इतने फलां, इतने फलां। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि भारतवर्ष में जाति का समूल विनाश करने के लिए चेतनाओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ जाति तो मस्तिष्क में निवास करती है। इसलिए इसको अगर साफ करना है तो इसका पूरा बेड़ा, पूरा जुम्मा आप युवाओं पे है कि आप अपना परिचय किस तरीके से देते हैं कॉलेज में, किस तरीके से आप मित्र बनाते हैं, किस तरीके से आप समाज में व्यवहार करते हैं। आप अपने आपको अगर हिंदुस्तानी कहें, आप अपने आप को इंडियन कहें, आप अपने आप को एक मानव कहें, तो ये भावना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये रगड़ा ख़त्म ही हो जाएगा, कहीं इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि क्या जाति वर्ग में बदल जाएगी, जाति का क्या भविष्य होगा, ये तो निर्मूल प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन इनके निर्मूल होने में सबसे बड़ी ताकत जो आज है, मुझे कहीं दिखती है, तो आप युवाओं में दिखती है कि आप अपना परिचय इस हिसाब से दें कि बस मेरा नाम विवेक है, मेरा नाम शाहिद है, मेरा नाम जो भी है आपका, बस वो बताएं, उसका सरनेम का कहाँ यूज़ है। लंबे समय तक मैंने भी लोहिया महाविद्यालय में सेवाएं दी है, जब भी विद्यार्थी मुझसे पूछते थे सर आपका नाम क्या है, तो मैं अमूमन यही जवाब देता था कि मेरा नाम कुछ नहीं है, मेरे नाम तो आप हैं, आपके कर्मों से, आपके अध्ययन अध्यापन से तो मेरा नाम उजागर हो जाएगा, और आप अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे, अच्छा अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे, कक्षा में रुचि नहीं लेंगे, तो मेरा कोई नाम नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य है मेरा कि क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो जाएगी, इसको लेके दो पक्ष हैं। एक तो कहते हैं कि साहब हो जाएगी, उसके पक्ष में वो आधुनिक परिवर्तन के प्रतिमानों की बात करते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि साहब जाति की प्रकृति और वर्ग की प्रकृति दोनों की भिन्न भिन्न है, इसलिए इनका एक दूसरे में परिवर्तित होना संभव नहीं है। हाँ, जाति में वर्ग की विशेषताएं आ जाएगी, वर्ग में जाति की विशेषताएं आ जाएगी, लेकिन पूरी तरह से जाति का वर्ग में परिवर्तित होना निकट भविष्य में संभव नहीं लगता है। कल मैं आपसे इस पर और चर्चा करूँगा। मित्रों, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित रहें, जल्दी ही सरकार की गाइडलाइन आने वाली है, आ भी रही है कॉलेजेस में आप लोगों की उपस्थिति के संदर्भ में, तो पूरी जो सरकार की गाइडलाइन है, जैसे पानी की बोतल अपनी लानी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और एक दूरी रख के, सोशल डिस्टेंस रख के मित्रता व्यवहार अध्ययन अध्यापन हमें करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें स्वयं को बचाना है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है खुद को बचाओ, खुद को स्वस्थ रखो। लेकिन ये नहीं कि अपन मानव जाति को भूल जाएं, पर पहले खुद को बचाएंगे, जब ही हम मानवता की पालना कर पाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। हम खुद ही डूब रहे हैं तो किसको बचा लेंगे हम। तो थोड़ा इस कोरोना से आपको जो गाइडलाइंस आ रही है उनकी पालना करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन अध्यापन करना है, अध्ययन अध्यापन करना है, अपने भविष्य के निर्माण के प्रति हमें सचेत रहना है। ये नहीं आप उसके प्रति लापरवाह हो जाओ,
ये कोई 20-50 साल नहीं चलेगा कोरोना, ये तो 4-6 महीने का खेल है। ये तो वैक्सीन आ जाएगी, आ ही गई, अब इसका कुछ और आगे प्रयोग होंगे, सारी कुछ चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये जो समय चला जाएगा ये वापस नहीं आएगा। इसके लिए आप अध्ययन अध्यापन करें, नोट्स बनाएं, और जो आपको ये व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से जो अध्ययन सामग्री मिल रही है ना, इसको खूब पढ़ें, खूब इसके ऊपर चिंतन मनन करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अपनी समस्या जिज्ञासा को लेकर। समय का सदुपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और खूब अध्ययन अध्यापन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।